वेलकम बैक। एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे इस YouTube चैनल ओके इंग्लिश अकेडमी पर। और आज की ये वीडियो है क्लास 12 के स्टूडेंट्स के लिए जो इस साल एग्जाम दे रहे हैं। इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ 30 मॉडल क्वेश्चंस जो इस साल आपको आपके एग्जाम में बहुत काम आएंगे। और इंग्लिश ही नहीं, इंग्लिश के साथ साथ साइंस, आर्ट्स और कॉमर्स के हर एक सब्जेक्ट का 10-10 मॉडल सेट मैं बनाने वाला हूँ। ये इंग्लिश का मॉडल सेट है, इससे पहले मैंने 2 सेट अपलोड कर दिया, ये आपका सेट नंबर 3 है। अगर आपने उन दोनों सेट को नहीं देखा है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप देख सकते हैं। आते हैं हम पहले क्वेश्चन की ओर। हमारी इस वीडियो का पहला क्वेश्चन है आज की इस क्लास का, हु रोट द पोएम ओड टू ऑटम, यानी किसने ये जो पोएम है ओड टू ऑटम उसको लिखा है। तो उसको लिखा है जॉन कीट्स ने। ये इंग्लैंड से बिलोंग करते हैं और इनको रोमांटिक पोइट कहा जाता है। और आप लोगों को कमेंट सेक्शन में ये भी लिखना है कि आपने टोटल कितना क्वेश्चन सही किया है। ये बड़े ही वीवीआई क्वेश्चंस हैं जो आपके एग्जाम में बहुत काम आएंगे, बिल्कुल मॉडल क्वेश्चंस हैं ये आपके। दूसरा क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ वॉर पोएम, यानी इसमें से वॉर पोएम कौन है। ओड टू ऑटम, एन एपिटाफ, द सोल्जर या स्नेक। तो द सोल्जर एक वॉर पोएम है और इस पोएम को लिखा है रूपर्ट ड्यूक ने। ये इंग्लैंड से बिलोंग करते हैं, एक बड़े पोएट है इंग्लैंड के और ये पेशे से फौजी भी थे। इन्होंने फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में लड़ाई की थी प्रथम विश्व युद्ध में और उसी युद्ध में शहीद भी हो गए थे। अगला क्वेश्चन है सेबी इज पैशनेटली इंटरेस्टेड इन, यानी सेबी जो है जब आप 6ठा चैप्टर पढ़ेंगे द आर्टिस्ट का, तो वहां एक कैरेक्टर है सेबी नाम का लड़का है, उसको जुनून की हद तक लगाव रहता है। किसमें? मेलन्स में, तरबूज में, परसीमन्स यानी तेनू में, पीले कलर का छोटा सा फल होता है ये, गोल्ड कद्दूओं में या पीच आडू बोलते हैं इसको। तो उसको जो इंटरेस्टेड रहता है वो कद्दूओं में, गोल्ड्स में। अगला है विलियम शेक्सपियर इज नॉट द ऑथर ऑफ डॉटर डॉट, यानी विलियम शेक्सपियर इनमें से किस किताब के लेखक नहीं। तो मैकबेथ लिखा है उन्होंने, हैमलेट लिखा है उन्होंने, ओथेलो लिखा है उन्होंने, प्रिंसेस, हाँ ये जो किताब है इसको उन्होंने नहीं लिखा है विलियम शेक्सपियर ने। और अगला क्वेश्चन है दैस इज द स्पेशल एकम्प्लिशमेंट फॉर द प्रेस इंटरव्यूअर्स, यानी वो लोग जो प्रेस में इंटरव्यू लेते हैं, इंटरव्यू लेने वाले लोग, क्या चीज है जो उनका मुख्य हथियार होता है। तो मैं आपको बता दूं उसको हम गार्बलिंग कहते हैं। गार्बलिंग उनका स्पेशल हथियार होता है। गार्बलिंग का मतलब है कि पत्रकारों का किसी भी बंदे से क्वेश्चन करना और जो सामने वाला बंदा है, जैसे सपोज कोई लीडर है वो अगर जवाब दे रहा है तो उसने जो नहीं कहा ये मतलब ले लेना राइटर का कि मतलब सॉरी जर्नलिस्ट का, पत्रकार का, के इंटरव्यू लेने वाले का कि उसने यही कहा है, उसी को हम गार्बलिंग कहते हैं। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द क्रिएशन ऑफ एडवर्ड गिबन, यानी इसमें से कौन सी किताब है जिसको एडवर्ड गिबन ने लिखा है। तो इस किताब का नाम है द डिक्लाइन एंड फॉल ऑफ द रोमन एम्पायर। ये किताब है, ये एडवर्ड गिबन इसके राइटर है। आप जब पढ़ेंगे इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर तो उसमें वहां पर गिबन नाम आता है। ये एक्चुअल में एडवर्ड गिबन का नाम है जो एक हिस्टोरियन भी है और पॉलिटिशियन भी, हिस्टोरियन भी थे और पॉलिटिशियन भी थे। डॉक्टर जाकिर हुसैन ने राष्ट्रपति के रूप में कब शपथ ली, तो उन्होंने 1967 में 1967 में राष्ट्रपति के पद की शपथ ली, ये तीसरे राष्ट्रपति थे। अगला है वो चैप्टर जो ए चाइल्ड इज बॉर्न है जिसको लिखा है जर्मेन ग्रियर ने। उन्होंने किस चीज की बात किया है, कल्चरल डिफरेंस की बात किया है चाइल्ड बर्थ को लेकर के, कि जब बच्चा पैदा होता है तो क्या कल्चरल डिफरेंस होता है किस किस समाज में, अफ्रीकन अमेरिकन और अफ्रीकन समाज में, या बांग्लादेशी और इंडियन समाज में, या ईस्टर्न पूर्वी और पश्चिमी समाज में, या नॉर्दर्न एंड साउदर्न यानी उत्तरी और दक्षिणी समाज में। तो इस सवाल का सही जवाब है पूर्वी और पश्चिमी समाज में, ईस्टर्न सोसाइटी में और वेस्टर्न सोसाइटी में। अगला क्वेश्चन है रूपर्ट ब्रूक ने जो अपनी पोएट्री है वो किस कंफ्लिक्ट यानी किस युद्ध के दौरान लिखा था। तो उन्होंने अपनी जो पोएट्री है वो उन्होंने द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर प्रथम विश्व युद्ध के दौरान लिखा था। अगला है गांधी डाइड इन द ईयर, गांधी जी किस साल मरे, तो 30 जनवरी 1948 ईस्वी को गांधी का देहांत हुआ। अगला है इनमें से कौन है जिनको नोबेल प्राइज के लिए शॉर्टलिस्ट किया गया था। तो ये कमला दास हैं जिनको नोबेल प्राइज के लिए शॉर्टलिस्ट किया गया था। ये कमला दास रहने वाली हैं, ये केरला, इन्होंने मलयालम में भी लिखा और इंग्लिश में लिखा है, और 1984 में इनको नोबेल प्राइज के लिए शॉर्टलिस्ट किया गया था। नोबेल शॉर्टलिस्ट करने का ये मतलब होता है कि जैसे सपोज 100 बंदों को चुना गया और उसको कम करते हुए 50, 20, 10 और 5 पे लाया गया, तो ये जो 5 है वो शॉर्टलिस्ट कहलाने वाले लोग होते हैं। कैंटरबरी टेल्स को किसने लिखा है, जेफरी चौशर ने, बेन जॉनसन ने, वॉल्टर स्कॉट ने, या विलियम शेक्सपियर ने। तो इसको जेफरी चौशर ने लिखा है। ये जेफरी चौशर फादर ऑफ इंग्लिश भी कहलाते हैं और फादर ऑफ इंग्लिश पोएट्री भी कहलाते हैं। ए मैरिज प्रपोजल ये जो ड्रामा है, इस ड्रामा में कुल कितने कैरेक्टर हैं, तो
इसमें जो है तीन कैरेक्टर हैं, लड़के का नाम लोमोव है, लड़की का नाम नटालिया है, और जो फादर है उसका नाम चुबुकोव है। टोटल तीन कैरेक्टर। विलियम शेक्सपियर कौन से साल में पैदा हुए? तो विलियम शेक्सपियर 1564 में इनकी पैदाइश हुई और 1616 में इनका देहांत हुआ। 26 अप्रैल 1564, 23 अप्रैल 1616, 1564 इज द राइट आंसर। नॉर्मन कॉन्क्वेस्ट कब हुआ था? तो ये 1066 में हुआ था। एक्चुअली ये बैटल ऑफ हेस्टिंग के नाम से जाना जाता है, जो 14 अक्टूबर 1066 को हुआ। नॉर्मन्स लोगों ने इंग्लैंड पे अटैक किया था, सैक्सन्स लोगों पे नॉर्मन लोगों ने अटैक किया, और ये सैक्सन लोग हार गए और ये लोग जो है जीत गए। ये 1066 में हुआ था। फिर इंग्लैंड में 100 सालों तक लगभग फ्रेंच जो है भाषा रही, ये नॉर्मन्स लोग फ्रांस के थे। अब ग्रामर का क्वेश्चन, इसमें से सही सेंटेंस को चुने। ही इज वन ऑफ द बेस्ट स्टूडेंट अमंग द क्लास, वो क्लास का सबसे बढ़िया स्टूडेंट है। तो इसको हम कैसे कहें, ही इज वन ऑफ, इसमें से सही सेंटेंस को चुने। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आता है, पिछले 2-3 साल से बहुत ट्रेंडिंग क्वेश्चन है ये, हर साल 3-4 क्वेश्चन आते हैं। ही इज वन ऑफ द बेस्ट स्टूडेंट अमंग द क्लास, वो क्लास में सबसे बेस्ट स्टूडेंट है। यहाँ पे वन ऑफ द के बाद वन ऑफ द प्लस डिग्री थ्री, ये जो बेस्ट है इसके बाद नाउन प्लूरल होना चाहिए था, ये नाउन सिंगुलर है, सेंटेंस गलत है। ही इज वन ऑफ ए बेस्ट, सुपरलेटिव डिग्री से पहले द लगता है, ए लगा हुआ, इसलिए ये गलत है। ही इज द बेस्ट, चलो ठीक है, तो जब द प्लस डिग्री थ्री होता है तो नाउन कभी भी प्लूरल नहीं होता, इस ये भी गलत है। ये वाला आपका बिल्कुल परफेक्ट सेंटेंस है, वन ऑफ द प्लस के बाद जो है नाउन प्लूरल आएगा। जब सिर्फ द हो तब नाउन सिंगुलर, और जब वन ऑफ द हो तब नाउन प्लूरल। कोई भी किताब जो पब्लिश होती है किसी भी राइटर के मरने के बाद, या कोई बच्चा जो बाप के मरने के बाद जन्म लेता है, उसको हम क्या कहते हैं? तो उसको हम जो है पॉस्थ्यूमस कहते हैं, पॉस्थ्यूमस। जैसे नोबेल प्राइज है अल्फ्रेड नोबेल के बाद जो है दिया गया था उनके मरने के बाद, तो वो पॉस्थिमस था वो। अगला है, चूज द करेक्ट स्पेलिंग अमंग दीज, इनमें से सही स्पेलिंग को चुने। कैलेंडर स्पेलिंग करेक्शन का क्वेश्चन आता है आपके एग्जाम में। अब ये देखें, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी ने 25 ऐसे वर्ड को चुना जिसमें लोग अक्सर बहुत कॉमन होने के बावजूद स्पेलिंग में गलती करते हैं, उसमें से एक कैलेंडर भी है। कैलेंडर की स्पेलिंग होती है डी ए आर, लेकिन जनरली लोग डी ई आर लिखते हैं, कुछ दिनों तक मैंने भी गलती किया था ये। अगला है, राहुल एज वेल एज हिज फ्रेंड्स डॉट डॉट गोइंग टू दिल्ली। मैं एक बात बता दूं आपको कि जब भी कोई दो सब्जेक्ट, यानी जैसे यहाँ पर राहुल है और हिज फ्रेंड्स हैं, ये जब जुड़ा हुआ होता है ना, एज वेल एज से या अलॉन्ग विद से या इन एडिशन टू से, इस सबसे जुड़ा होता है, तो जो सब्जेक्ट पहले आ रहा है उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे हम वर्ब लेते हैं। तो राहुल में वाज लगेगा, सिंगुलर लगेगा, इसलिए वाज हो जाएगा, नहीं या रानू राजू साथ ही साथ उसके जो दोस्त लोग हैं वो दिल्ली जा रहे हैं तो वाज लगाएंगे। सोनम हैजंट सीन हर ओल्डर सिस्टर लास्ट अप्रैल, यानी सोनम ने अपनी बहन को पिछले अप्रैल से नहीं देखा। पिछला अप्रैल ये जो है फिक्स टाइम है, इसके साथ ये पॉइंट ऑफ टाइम है, इसके साथ हम जो है सिंस का यूज करेंगे, तो सिंस लास्ट अप्रैल, दिस इज द करेक्ट आंसर। अगला है, वी ऑफन गो फिशिंग डॉट डॉट द रिवर बैंक, हम लोग अक्सर फिशिंग करने जाते हैं, मछली मारने जाते हैं, रिवर बैंक है ना नदी के किनारे, रिवर बैंक नदी के किनारे, ये नदी का किनारा है और इसी की लाइन में जो जाना है ये अलोंग कहलाता है। क्या कहलाता है? अलोंग कहलाता है। अब किसी से पूछते हैं ना पता, तो कहता है ये जो रेलवे की पटरी जा रही है, बस पटरी पकड़ते पकड़ते चले जाइएगा, तो इसी को जो हम कहते हैं अलोंग कहते हैं, इन द सेम लाइन ऑफ। इधर राजू और श्याम दोनों दो हैप्पी, या तो राजू या श्याम ये दोनों खुश हैं, तो यहां पर हम जो है इज लगाएंगे, राजू और श्याम को देख के प्लूरल समझ के आर नहीं लगाएंगे। कहीं पर अगर इधर और हो, नेदर नॉर हो, नॉट ओनली बट ऑल्सो, और दो सब्जेक्ट से कनेक्टेड हो तो भी वहां पे हम सिंगुलर वर्ब का यूज करते हैं, तो वहां पर हम इसका यूज करेंगे। अगला क्वेश्चन है, आई डोंट लाइक डॉट डॉट समर, तो मैं आपको बता दूं कभी भी मौसम के नाम के पहले हम द का यूज नहीं करते हैं, वी डोंट यूज आर्टिकल बिफोर द नेम ऑफ अ सीजन। लेकिन अगर यहाँ पे सीजन वर्ड लग जाए, अगर समर के साथ सीजन भी जोड़ देंगे तब यहाँ पे द लगाएंगे, आई डोंट लाइक द समर सीजन, और जब सीजन नहीं होगा तो द भी नहीं होगा। अगला क्वेश्चन, डैश मोर आई लव हर, जितना मैं उससे प्यार करता हूँ, द मोर शी हेट्स मी, उतना ही वो मुझसे नफरत करती है। यहाँ पे द मोर एक कॉम्पिटेटिव यहाँ पे, तो एक कॉम्पिटेटिव जब यहाँ पे, डबल कॉम्पिटेटिव का क्वेश्चन है, दोनों जगह पे हम द लगाते हैं। अगला है, वन हु नोज एवरीथिंग, जो सब कुछ जानता है क्या कहलाता है? ओमनी प्रेजेंट, नहीं, जो हर जगह मौजूद है उसको ओमनी प्रेजेंट कहते हैं। ओमनी पोटेंट, जो सबसे ताकतवर है उसको ओमनी पोटेंट कहते हैं। ओमनी सियंट, ये बिल्कुल सही जवाब है, गॉड इज ओमनी सियंट, यानी अल्लाह जो है, भगवान जो है वो ओमनी सियंट है, यानी सब कुछ जानने वाला है, सर्वज्ञ है, इसको हम कहेंगे हर जगह मौजूद, हर सबसे ताकतवर,
ये जो है सबसे ज्यादा जानने वाला, और ये बेनीवोलेंट हम दयालु को कहते हैं। डैश कैमल इज डैश शीप ऑफ द डेजर्ट, यहाँ पे द लगेगा क्योंकि ये जो कैमल है पूरे जाति को कैमल के डिनोट कर रहा है। द शीप ऑफ, जब दो नाउन को हम ऑफ से कनेक्ट करते हैं तो जो नाउन पहले आता है उसके पहले हम द लगाते हैं। द कैमल इज द शीप ऑफ द डेजर्ट। अगला है डैश गोल्ड ऑफ साउथ अफ्रीका इज वेरी फेमस इन द वर्ल्ड, यानी साउथ अफ्रीका का सोना दुनिया में बहुत मशहूर है। तो यहाँ पर अगर सिर्फ गोल्ड होता तब हम कोई आर्टिकल नहीं लगाते, लेकिन चूंकि द ये साउथ अफ्रीका का सोना है, सोने को हमने पर्टिकुलर कर दिया, तब हम द लगाएंगे। सोनम इज डॉटर डॉट मोस्ट ब्यूटीफुल गर्ल इन माई क्लास, सोनम मेरे क्लास की सबसे खूबसूरत लड़की है। तो यहाँ पर हम द का यूज करेंगे इसलिए क्योंकि ये जो मोस्ट ब्यूटीफुल है ये सुपरलेटिव डिग्री है। अब हम आगे बढ़ते हैं। He is daughter of most handsome young man here. वो यहाँ का सबसे खूबसूरत नौजवान है। तो भी यहाँ पे हम the use करेंगे, the most handsome, the most beautiful, ये सब superlative degree है। And this superlative degree is followed by the. And this one is the last question. What dot 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 idea? मतलब क्या idea है? तो इसको हम बोलेंगे wow, what an idea. यहाँ पे हम and का use करेंगे, what an idea, what an idea. इसलिए कि जब भी हम एक्सक्लेमेशन की बात करते हैं तो वहां पे हम ए एन का यूज करते हैं, और यहां पर हम एन लगाएंगे क्योंकि ये जो आइडिया है वो जो है वॉवल साउंड प्रोड्यूस कर रहा है ना। अब अगर हम कहें क्या बिल्डिंग है तो हम बोलेंगे व्हाट अ बिल्डिंग, क्यों, क्योंकि बिल्डिंग जो है वो कॉन्सोनेंट साउंड प्रोड्यूस कर रहा है। तो दैट्स ऑल फ्रेंड्स, थैंक यू वेरी मच हमारे इस वीडियो को देखने के लिए, आपका बहुत शुक्रिया। आप मुझे चाहें तो फेसबुक और इंस्टाग्राम पे भी आप मुझसे मिल सकते हैं, इंस्टाग्राम पे आप मुझसे पर्सनल क्वेश्चन कर सकते हैं, मैं वहां पे उसका जवाब दूंगा। और अगर वीडियो पसंद आई तो इसको ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर कर दें, अगर नए हैं तो सब्सक्राइब।